पश्चिम बंगाल इलेक्शन की आपको सबसे बड़ी खबर देना चाहेंगे। दरअसल आपको बता दें, लगातार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और नतीजों में आप देख सकते हैं कि 170 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है वो बढ़त बनाए हुए है, कुल समेटती हुई नजर आ रही है। लगातार तृणमूल कभी 123 तो बीजेपी 117, यानी मोदी जी की हार लगभग पश्चिम बंगाल में तय मानी जा सकती है, यानी मोदी जी की हार निश्चित है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राय और उलझनों के बीच की बात की जा रही थी, तो उनके बीच में देखा जाए तो निश्चित ही ममता बनर्जी बाजी मारती हुई साफ देखी जा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 170 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं 114 पर बीजेपी है, लेफ्ट के खाते में जीरो है और अन्य चार पर है। यानी कांग्रेस तो अपना खाता खोलने में भी बड़ा मुश्किल के दौर से गुजर रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने अपनी वापसी की है और जिस तरीके से मुस्लिम वोटों ने ममता बनर्जी का संग दिया है, वो अपने आप में दिखाता है कि निश्चित ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से नतीजे अब तक आए हैं, उनके हिसाब से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती हुई देखी जा सकती है। यानी टीएमसी आगे है और टीएमसी का पल्ला भारी है और निश्चित ही टीएमसी अब सरकार बनाने की पूरी तैयारी में होगी। 170 सीटों पर आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं मोदी के चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं तकलीफ का मंजर है। दरअसल आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि हम भले ही फाइट में आप आएंगे, लेकिन सरकार पश्चिम बंगाल में हम ही बनाएंगे। तो वहीं अमित शाह की रणनीति कोई काम आएगी या नहीं आएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि ममता बनर्जी ने मोदी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रखी है। 170 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से दीदी का दबदबा जारी है और दीदी ही सरकार बनाने की तैयारी में दिख रही है। खैर, और कोई अपडेट रहती है इसको लेकर के हम आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन यह सटीक और सही जानकारी है ओपिनियन पोल की कि 170 सीटों पर कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है।